अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस वक्त हम जा रहे हैं थर राजस्थान की तरफ, और ये मैंने राजस्थानी कुल्ला पहन लिया है। इसको राजस्थानी कुल्ला कहते हैं ना? जी बिल्कुल, इसको राजस्थानी चुल्ला कहते हैं। चुल्ला नहीं यार, कुल्ला। हाँ, इसको कहते हैं राजस्थानी कुल्ला। ये मैंने पहन लिया है। इस वक्त हम जा रहे हैं उमरकोट की तरफ, वहां से जीप पकड़ेंगे। जीप पकड़ने के बाद हम जाएंगे थर की तरफ। रास्ते में रेगिस्तान भी मिलेगा, बहुत सारे भाई कह रहे हैं जानवर भी मिलेंगे। हाथी मिलेगा? हाथी बहुत कम चांस है। हाथी का कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं चीता और भेड़िए, खरगोश, इस टाइप के बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं वहाँ मिलता क्या क्या है। तो हम वहाँ से जीप पकड़ के जाएंगे थर की तरफ। रात हमारी वहाँ गुजरेगी। थर पहुँच के ब्लॉग में एंड करूंगा और रात वाला ब्लॉग वहाँ पर अलग से होगा। तो चलते हैं थर की तरफ। और ये बकरी हमारे साथ, एक हंस रहे है, बकरी हंस रही है, बकरी भी हंसती है। देखा, पहुंच चुके हैं इस वक्त। कहाँ पहुंचे भाई? उमरकोट में। कहाँ है? होला वाला को दी, उमरकोट से बाहर भी आ जाए, इछरो थर पहुंच गए। इछरो थर थोड़ी है यार, थर तो अभी आगे है ना। थर बस वही थर का इलाका है। अच्छा, ये थर का इलाका है। अभी हमें जाना है आगे थर मेन जगह पर। तो यहाँ पहुँचते हमें तकरीबन रात के 8 तो बज चुके हैं, और वो रास्ता बड़ा खतरनाक है, आगे हम जा ही सकते। कौन कर रहा है भाई ये मस्तियाँ? अच्छा, लकड़ियाँ यहाँ कम्बे को क्या चीज़ आ रही समझ में भी नहीं आ रहा। सांप वगैरह भी इधर है। यहाँ सांप भी है? सांप भी है, बिच्छू भी है। बोले भाई सांप और बिच्छू भाई बोले। वो भाई यहाँ तो अजीब चीज़ है। वह कुछ चिपक गया झाड़ियों में से। बूट में देखो। ये क्या गाड़ी है? ठीक है। अच्छा भाई, इस गाड़ी में हम जाएंगे आगे, और जहाँ रात का हमें स्टे करना है अभी हम वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ से फिर हम निकलेंगे तकरीबन फजर के बाद सुबह थर के लिए। ये गाड़ी है जिसमें हम जा रहे हैं अभी आगे की तरफ। रात में नाइट स्टे होगा हमारा वहाँ। और पता नहीं अजीब वगैरह चीज़ें हैं यहाँ पर यार। खैर, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अब चलते हैं। जहाँ सोना है हमें, नाइट स्टे करना है, उस साइड पे जा रहे हैं। भाई का नाम क्या है? मौलाना इकराम साहब हैं हमारे साथ। तो हम नाइट स्टे वहाँ करेंगे इनके पास, और फिर सुबह फजर की नमाज के बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से थर के लिए। ओहो, वैसे बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। बस पीछे से कुछ लगता है और फिर बंदा उछलता है। ये ऐसी जगह है। अच्छा, थर पहुँच चुके हैं, ज़िला सांगड़। अछौथर इस जगह का नाम है। थर की तरफ मैंने बताया सुबह निकलेंगे, लेकिन रात का हमारा स्टे यहीं होगा। और ये जगह जो है ना, ओह माय गॉड, मुझे डर भी लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है। ऐसी जगह है यार, आपको दिखाता हूँ। लुक एट दैट, ये सामने झाड़ियाँ हैं। अच्छा, मुझे डबल टॉर्च इस्तेमाल करनी पड़ी, यहाँ अंधेरा बहुत है। ये सामने झाड़ियाँ झाड़ियाँ झाड़ियाँ, ये भी झाड़ियाँ। अच्छा, एक लुक दिखाता हूँ आपको यहाँ का। ये लुक आपको सही महीनों में जो नज़र आएगा ना, सुबह नज़र आएगा आप लोगों को, लेकिन ये नाइट वाला ब्लॉग जो है मैं एंड करूँगा आज ही, और सुबह का जो है वो मैं अलग से स्टार्ट करूँगा। तो वो आप लोग देखिए, वो लुक ही अलग होगा। तो यहाँ फ़िलहाल हमारा स्टे है, ये अंदर पूरी झोपड़ी है, और यहाँ हम लोग सो रहे हैं। सामने हमारे बेड वगैरह लगे हुए हैं, चरपाइयाँ लगी हुई हैं, और यकीन करो यहाँ का मज़ा ही अलग है। मतलब इन चरपाइयों पर, और ठंड है, आज सर्दी हो रही है, हल्की हल्की सी है, ज़्यादा सर्दी नहीं है, नॉर्मल ही है बिल्कुल। तो यहाँ ठहरने में, यहाँ रुकने में बहुत ही कोई मज़ा आ रहा है। ज़िंदगी का एक अलग एक्सपीरियंस है यहाँ पर। और ये सामने, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? हाजी कादिर। हाजी कादिर साहब जी, अछौथर का एरिया है। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर सांप बिच्छू वगैरह की क्या सूरत हाल है? अभी ठीक है। सांप बिच्छू वगैरह नहीं होते इधर? होते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर सुना है मैंने, जब से मैं आया हूँ मुझे पूरे रास्ते डराते हुए आए हैं कि सांप आ गया, बिच्छू आ गया। और रास्ते में मैंने गो देखी, मैं जैसे कैमरा उठाने लगा गो भाग गई, और वो इतनी बड़ी थी कि हमारी गाड़ी के ऊपर आराम से चढ़ सकती थी, इतनी बड़ी गो थी वो। तो यहाँ पर काफ़ी जानवर भी हैं, और सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं, अजदा वगैरह है इधर। अजदा भी है भाई, अजदा भी है, समझ रहे हो? हाँ, डर भी लग रहा है, मैंने कहा ना, डर भी लग रहा है और मज़ा भी बहुत आ रहा है, और लाइफ का एक अलग एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये मुँह हाथ धोने की जगह है, और वहाँ पे भी कुछ रिहाइश है, उस साइड पे रिहाइश है। अच्छा, इस साइड पर ये पूरा सामने पूरा पहाड़ है, वहाँ ये पूरी साइड जो है वो पहाड़ की है, मतलब रेत के टीले बने हुए हैं यहाँ पूरे पूरे। अब्दुल्ला भाई किधर हैं? अब्दुल्ला भाई नाड़ा बांध में। हम सुसु करने गए थे, वो कुछ मिला तो नहीं, काटा वाटा तो नहीं किसी ने? कुछ नहीं, लेकिन वो सांप के चलने के जो
निशान है, निशानात है। अच्छा, वो मौजूद है, वो मौजूद है। अच्छा, मैं आपका कुछ सांप के चलने के रेंगने के जो निशान है ना वो दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रेंगने के रेत के ऊपर निशान मौजूद हैं, तो मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। कहाँ है अब्दुल्ला भाई, दिखाइए जरा। दूसरा ये है कि आप कह रहे हैं ना कि पहाड़, तो हम काफी बुलंदी पे इस वक्त खड़े हैं। अच्छा, हम लोग ये रात की वजह से असल में शायद हमें नजर नहीं आ रहा है हम लोग कितनी ऊपर है। ये होगा कि आप इधर देखिए, बहुत गहराई है नीचे। हाँ, ये पूरी ऐसे खाई की तौर पे लग रही है, जैसे खाई है कोई। यहाँ पर 100 फुट के या 100 फीट, लेकिन 150 फुट, 150 फुट बुलंदी पे खड़े हैं इस वक्त हम लोग। 150 फीट की बुलंदी पे खड़े हैं। रात का अंधेरा हो रहा है इसलिए हमें कुछ खास अंदाजा नहीं हो पा रहा है। तो सुबह आप जो व्लॉग आने वाला है मेरा दूसरा, वो जरूर देखिएगा। उसमें तो माय गॉड, यहाँ अभी जिस तरह मैं जीप के अंदर आया हूँ ना, यकीन करो मैं जो जीप घुमाई है ना रेत के अंदर, तो मेरी सांसें रुक गई थी। तो अब्दुल्ला भाई ने मुझसे पूछा, क्या हुआ भाई, आप कुछ कह नहीं रहे? मैंने इनको कहा कि भाई जब मैं उतर के रूम में चला जाऊंगा, हम अकेले होंगे, मैं उस वक्त आपको बताऊंगा कि क्या सीन हुआ। मेरी शलवार गीली हो गई है, सर की शलवार गीली हो चुकी थी। कुछ सांप के निशान ढूंढे, ऐसे निशानात हैं ये जो आपको ऐसे नजर आते हैं। नहीं, ये सांप गुजर जाते हैं, ये देखे। हाँ, ये अच्छा भाई, ये देखो, ये है सांप के गुजरने का निशान, ये वाला। ये वो कहते हैं ना, सांप चला गया रस्सी पीट रहे, तो ये देखो भाई, सांप के गुजरने के निशान थे यहाँ पर। ये सांप, बिच्छू और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, और हमें यहाँ रात गुजारनी है। मैं तो अभी से सोच के मैं सोच रहा हूँ कि मैं सोऊं के ना सोऊं। वैसे मुझे इस वक्त 48 घंटे तो हो गए हमें जागते हुए, ऐसा ही ना अब्दुल्ला? ऐसे ही है, बिल्कुल। तकरीबन 48 घंटे हम लोगों को जागते हुए हो गए, ज़्यादा हो गए। और यहाँ बेसिकली हम आए क्यों हैं, नुसरत ट्रस्ट की जानिब से हम लोग यहाँ पर आए हैं इमदाद तकसीम करने के लिए। यहाँ पर काफ़ी गरीब लोग हैं, माजूर अफराद हैं, उनमें इमदाद तकसीम करने के लिए आए हैं। और नुसरत ट्रस्ट के अगर आपको व्लॉग देखने हो तो नुसरत ट्रस्ट सर्च कीजिएगा, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी सर्च करेंगे आपको आराम से मिल जाएगा। सर, नाम क्या बताया था आपने अपना? जी, हाजी कादिर। हाजी कादिर, ये हाजी कादिर साहब की भेड़ बकरियाँ वगैरह हैं, दुम्बे हैं। दुम्बे हैं क्या क्या है, क्या है? ऐसा लग रहा कुछ गुजरा है। ओए भाई, तूने मुझे भी डरा दिया। अरे यार, कसम खुदा की कुछ भी टच हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है पता नहीं कोई नई चीज आ गई है। अच्छा, भेड़ बकरियां दिखा रहे थे हम, ये हाजी कादिर साहब की भेड़ बकरियां। स्वीट बच्चा है ये वाला, ये। ओए होए होए होए, माशाल्लाह। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं छेड़े, अभी नहीं छेड़े, अभी नहीं छेड़े, सुबह ही कर लेंगे। छेड़ी, मजा आ रहा है। चलो आप अभी छेड़ो इनको, तो भाई अभी छेड़ लेते हैं। ये पकड़ लिया अब्दुल्ला, इसको दुम्बे का बच्चा। ये जी, ये देखें, बहुत क्यूट है। क्यूट नहीं है, क्यूट है, क्यूट है, सॉरी, नहीं क्यूट नहीं, क्यूट नहीं, क्यूट, क्यूट नहीं, क्या? वही 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 नहीं, क्यूट, क्यूट क्या? वही वही नहीं, नहीं नहीं, बताओ क्या है, क्या है? क्यूट है, क्यूट, क्यूट है। हाँ, ये छोटा क्यूट है, ये माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये दोनों क्या है अब? ये दोनों बच्चे हैं। नहीं, क्या है वो इंग्लिश में, क्या है ये दोनों? वही है, वही नहीं, है। ये दोनों क्यूट हैं। ये एक हाथ पर पकड़े और दूसरे हाथ पर पकड़े। आ जाओ भाई, वहाँ पे लगा। माशाल्लाह, देखो भाई, दोनों क्यूट है। मैं बता देता हूँ इंग्लिश में क्या होता है। ये दोनों बहुत ही क्यूट है और प्यारे प्यारे से हैं। अब ये इनकी नींदें खराब कर दी हम लोगों ने। हाँ, सब जाके देखें जी। सुबह का इंतजार करें, बस सुबह होते ही जो व्लॉग आने वाला है ना, इंशाल्लाह ऐसा होगा कि आप दंग रह जाएगी आप लोगों की सोच, क्योंकि जगह जो मैंने देखी है ना, ओह माय गॉड, मैं जिस तरीके से यहाँ जीप के अंदर अभी घुसा हूँ ना, जीप के अंदर जिस तरह निकली है जीप, यकीन करो यहाँ अटक गई थी मेरी सांस के, वो ऐसे जा रही, कभी ऐसे जा रही है, मैंने अभी गिरी अभी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैं किधर है माँ इनकी? अच्छा भाई, ठीक है, सही है, तुम्हें नींद खराब कर दी हमने तुम्हारी, जा रहे हम। ये तो मुझे ही माँ समझ रहा है यार अपनी। अबे मैं नहीं हूँ, मैं नहीं। दुम्बे का बच्चा मुझे अपनी माँ समझ रहा है। क्यों भाई, इनको छेड़ दिया यार आप लोगों ने इतनी रात में। चलो बाहर निकलते हैं यहाँ से। सो जाओ भाई, सो जाओ। अच्छा, अल्लाह हाफिज़, सुबह मुलाकात होगी आप लोगों से। बाय बाय। बकरी भी आ गई। हाँ, बकरा भी आ गया। ये बकरी बाहर ही नहीं निकल रही थी। अच्छा, एनीवे, यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है, बहुत मज़ा आ रहा है, ज़िंदगी का एक नया एक्सपीरियंस है, नई चीज़ है, और इस तरह की चीज़ें मैं ट्राई करता रहता हूँ। अभी आने वाले व्लॉग्स में आपको मज़ीद नई चीज़ें देखने को मिलेंगी।
खैर यहाँ का भी आप सुबह वाला ब्लॉग देखिएगा, अब इस ब्लॉग को मैं ये एंड करता हूँ। लेकिन सांप, बिच्छू, नेवले भी हैं। गो भाई ने हमें पहले दिखा दिए, एक बहुत बड़ी गो गुजरी वहाँ से, वो उन्होंने पहले दिखा चुकी है। तो अब नींद तो मेरे ख्याल में शायद आनी नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे सोने की, क्योंकि 48 घंटे से जाग रहे हैं और सुबह मजीद काम भी करना है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह सुबह दोबारा ब्लॉग स्टार्ट होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हम जा रहे हैं आप अपनी किधर की, हमारी झोंपड़ी, वो हो रही है हमारी झोंपड़ी। अब हम जा रहे हैं सोने के लिए, थोड़ी देर आराम करेंगे इंशाल्लाह। सुबह जो ब्लॉग आने वाला दूसरा वो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।